अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अंडे वाला बर्गर, क्योंकि आज हम लोग आए हैं अंडे वाला बर्गर। बाज़ार से घर जा रहे थे तो बच्चों को भूख लगी, तो मैंने उनको अंडे वाला बर्गर दिलाया। तो मैंने बोला चले ये अंडे वाले बर्गर की रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा किस तरीके से बना रहे हैं अंडे का बर्गर। तो उन्होंने पहले अंडे जैसे नॉर्मल लाल मिर्च में नमक डाल के घोलते हैं वो करा, अभी अंडे फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अंडे वाले बर्गर की। ये बना रहे हैं डबल डेकर बर्गर। इस बर्गर में ये लोग अभी मायोनीज, केचप और सैलेड वगैरह डालेंगे तो ये बन जाएगा डबल डेकर बर्गर। आज के व्लॉग में सोचा मैंने कि मैं आज आपको अंडे वाला बर्गर ही दिखा दूं कि अंडे वाला बर्गर कैसे बनता है। वैसे तो सब ने नॉर्मल अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो खाया ही होगा इसको। ये देखें बहुत क्रिस्पी सा बना रहे हैं, अच्छा सा बना रहे हैं, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं अंडे वाले बर्गर को। और मैं बच्चे तो कबाब निकलवा देंगे और डबल अंडा डलवाएंगे कबाब की जगह पर। ये हमारे बर्गर पार्सल हो चुके हैं क्योंकि बैठने का जगह नहीं थी, तो फिर अब हमारा ब्लॉग यहीं पर ही हो जाता है। वैसे अंडे वाला बर्गर बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, बर्गर बन लाएँ आप और उसके अंदर शामी को आप तो घर में बने हुए रखे रहते हैं, उसको अंडे में लपेट लें, अंडा फ्राई करके उसमें लपेट लें और उसको रख दें कबाब उस बर्गर के अंदर। फिर उसके अंदर मायोनीज और सैलेड डाल दें, बंद गोभी वगैरह और केचप डाल दें और ऊपर से बंद कर दें और सेक लें, बन गया अंडे वाला बर्गर।